बिग बॉस से निकलने के बाद एल्विश यादव के पर एक के बाद एक नेगेटिव पीआर, एक के बाद एक फॉल्स नैरेटिव, एक के बाद एक फेक न्यूज़। एल्विश यादव को जम्मू कश्मीर में राघव शर्मा की पिटाई के फेक न्यूज़ पर एल्विश ने तोड़ी चुप्पी, क्या है उसकी पूरी सच्चाई? तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एल्विश यादव के खिलाफ एक बार फिर नेगेटिव पीआर शुरू हो गया है बड़े बड़े मीडिया हेडलाइंस में और सोशल मीडिया के कई सारे न्यूज़ चैनलों में। आपने देखा होगा राघव शर्मा, एल्विश यादव और कटारिया, ये पूरी टीम अपनी लेकर गए थे वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने। और एल्विश के जहां तक व्लॉग में, कटारिया के जहां तक व्लॉग में सबने देखा, बहुत ही अच्छे से ये पूरा दर्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन 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 एल्विश के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये पहली बार नहीं है कि पहले भी एल्विश के ऊपर कई सारे गलत फेक नैरेटिव चलाया गया है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से। सांप वाले केस में भी एल्विश को ये कहा गया था कि एल्विश सांप का जहर बेचते हैं, लेकिन इसमें एल्विश के खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कई बार गमले के ऊपर एल्विश पर आरोप लगे जो कि आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं। और अब एक फेक वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें राघव शर्मा तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि ये फैंस थे न कि एल्विश को या फिर राघव को मारने की कोशिश कर रहे थे। राघव जो है वो हमेशा एल्विश को प्रोटेक्ट करते हैं भीड़ से और यही काम राघव कर रहे थे। इवन राघव एल्विश के फैंस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग सेल्फी के लिए, एल्विश के साथ फोटो लेने के लिए इतने ज्यादा बेताब थे कि उनको नहीं पता था कि राघव शर्मा उन्हीं की टीम से है। इस बंदे की कई सारी फोटोज ना एल्विश के साथ आ चुकी हैं। एज एन फैन एल्विश ने इसके साथ फोटो कैप्चर किया है। काफी ज्यादा जो गलत न्यूज फैलाई जा रही है उसको लेकर अब एल्विश ने ट्विटर पर दिया है बड़ा बयान। एल्विश यादव ने लिखा, जब तक ऐसे न्यूज वाले जिंदा हैं फेक नैरेटिव चलते रहेंगे, हमारे पे हाथ उठाने वाले दिन पैदा होंगे, कलयुग का अंत आ लेगा, चीयर्स। और ये एल्विश ने टाइम्स नाउ को टोंट मारते हुए, क्योंकि इतने बड़े हैंडल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि एल्विश और राघव की पिटाई करने की कोशिश की गई है, जबकि एक फैन थे, सारे के सारे फैंस थे। और कई वीडियोज में आपने देखा भी होगा कि एल्विश से फोटो के लिए, सेल्फी के लिए लोग इतने ज्यादा उतावले थे कि एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे थे। तो ये फेक नैरेटिव एल्विश के खिलाफ बंद होना चाहिए। इसके पहले मनीषा और एल्विश के खिलाफ भी कई सारे फेक नैरेटिव चल चुके हैं। बिग बॉस के घर में भी एल्विश ने आकर सलमान खान के सामने कहा था कि उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर हो रही है, लेकिन अब नेगेटिव पीआर वालों को खुद एल्विश ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आप बताना कमेंट बॉक्स में एल्विश के इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।